आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न में कथन तथा कारण दिए गए हैं। तो कथन है हमारा, ग्लोमेरुलर रक्तदाब बढ़ने पर वृक्क की जेजी सेल्स सक्रिय होकर रेनिन का श्रवण करती है, ठीक है। कारण है एंजियोटेंसिन एक शक्तिशाली रक्तवाहिनी संकोचक है, ठीक है। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमारे कथन तथा कारण जो है वो सत्य अथवा असत्य, तथा कारण जो है वो हमारे कथन की पुष्टि कर रहा है या नहीं। फिर उसके आधार पे ये पता करना है कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे कथन की तरफ। हमारे कथन में दिया गया, ग्लोमेरुलर रक्तदाब बढ़ने पर वृक्क की जेजी सेल्स सक्रिय होकर रेनिन का श्रवण करती है। जेजी सेल्स क्या है, जस्ता ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, ठीक है, जिसे कि हम गुच्छा सन कोशिकाएं भी कहते हैं, गुच्छा सन कोशिका, ठीक है, कोशिका। तो इसके द्वारा रेनिन का श्रवण होता है, सही है। लेकिन रेनिन का श्रवण जो है वो कब होता है, ये GFR के रक्तदाब घटने पे होता है, ठीक है, रक्तदाब घटने पे होता है। और यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है कि रक्तदाब बढ़ने पे जेजी सेल सक्रिय होता है। तो ये विकल्प जो हमारा है वो गलत हो गया, कथन जो है हमारा वो असत्य है, ठीक है, कथन हमारा असत्य है। तथा कारण, कारण क्या हमारा, एंजियोटेंसिन एक शक्तिशाली रक्तवाहिनी संकोचक है। तो ये कथन जो है वो भी हमारा असत्य है, क्योंकि रक्तवाहिनी शक्तिशाली रक्तवाहिनी संकोचक किसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन दो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया एंजियोटेंसिन एक, इसलिए ये कथन जो हमारा कारण है वो गलत हो गया और कारण कथन की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस आधार पर हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो कौन सा है। तो पहला है, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो ये विकल्प हमारा गलत होता है, क्योंकि हमारे कथन तथा कारण दोनों असत्य है। दूसरा है, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे कथन कारण दोनों असत्य है। चौथा है, तीसरा है, यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत होता है। चौथा है, कथन व कारण दोनों असत्य है, तो चौथा विकल्प जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।